मेरा नाम फैजल खान है, डिग्गी बाजार का हूँ, देख लिया आपने। इसलिए आई वुड लाइक टू थैंक्स मतलब डॉक्टर्स और ऑल नर्सिंग स्टाफ वगैरह जो थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, और जो वार्ड बॉय और जो नर्सिंग स्टाफ थे वो तो बहुत ही सपोर्टिव थे, और मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कभी कभी ऐसे लाइफ में मूड आते ही हैं, और कभी कभार ऐसा फील हुआ था कि जिंदगी जियेंगे कि नहीं जियेंगे। Classes from pre-nursery to class 12, 50% discount on girls' fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. Actually, I would like to thanks मतलब doctors और all nursing staff वगैरह जो थे वो काफी supportive थे, मतलब उन्हीं की वजह से वापस return हो पाया, otherwise possible नहीं था ये वापस आना। और इसमें कोई ऐसे टेंशन वाली और जंग लड़ने वाली कोई बात थी नहीं, वो अपने आप को calm down और stress free रखना पड़ा था इसमें पूरे treatment के process के अंदर, और मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कभी कभी ऐसे लाइफ में मूड आते ही हैं, और कभी कभार ऐसा फील हुआ था कि ज़िंदगी जियेंगे कि नहीं जियेंगे, कुछ भरोसा नहीं था। और जब पता चला कि मेरी वजह से मेरी फैमिली भी पॉजिटिव हो गई, तो उस वक्त बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ था मैं कि यार मैं तो चलो रिकवर हो जाऊँगा, मुझे पता था मेरी हेल्थ कंडीशन वगैरह क्या है, बट फैमिली के फादर और मदर के बारे में मैं सोच के थोड़ा टेंशन हो गया था। पर बाद में अदरवाइज़ फिर जैसे डॉक्टर्स का जो माहौल, जो सिचुएशन, जो ट्रीटमेंट दिया ना उनका स्पेशली, वो बहुत ज़बरदस्त था। गर्म पानी, सूप वगैरह, इस टाइम पर खाना, दूध, सब चीज़ मतलब ओवरऑल बहुत बढ़िया था एसएमएस के अंदर। और जो वार्ड बॉय और जो नर्सिंग स्टाफ थे वो तो बहुत ही सपोर्टिव थे, वो कभी ऐसा फील ही नहीं कराते थे कि हम मरीज थे। और हमारे जो क्वारंटाइन टाइम का पीरियड था उसको भी उन्होंने अच्छे से निकालने के लिए हेल्प करी और सहायक करा हमेशा। मतलब ओवरऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और लाइफ में ठीक है, खुदा का मर्जी थी, ये लिखना देखना था, ये दिन देख लिया, और प्रेयर भी करी लोगों ने, अनजानों लोगों ने हमारे लिए, काफ़ी सारे कोर्स वगैरह भी आए थे, काफ़ी जगह सपोर्ट मिला, तो वापस आ गए हम अपने घर पे। बस सब घर पे आके बस खुश हैं, बाकी काफ़ी सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस चीज़ में। आज घर आए, आपको कैसा लग रहा है? घर आने के बाद मेरे को अलग ही महसूस हो रहा है, मतलब 2 महीने बाद आप घर पहुँचते हो आप अचानक। कभी मैं इतने दिन बाहर रहता हूँ हमेशा, लेकिन मैं कभी ऐसा फील नहीं हुआ जो आज मुझे फील हो रहा घर आने के बाद, हाँ भाई मेरा घर आ गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं घर पाऊँगा, लेकिन अब आने के बाद बिल्कुल अजीब महसूस हो रहा है। यहाँ चिकित्सा हिसाब का यहाँ किस तरह से सहयोग आपका रहा, किस तरह कोऑर्डिनेशन रहा आप दोनों लोगों का? यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग था, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट थोड़ा सा ही नहीं था। ओवरऑल जाने तो जो चीज़ थी हॉस्पिटल को लेकर, जो स्टाफ वगैरह जो मैं जो खाना और पानी मिला था स्टार्टिंग में, जो हो सकता है उनके पास उतनी उस समय व्यवस्था नहीं थी या कुछ एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का, तो मैं भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हमारे सोनी जी को मैंने बोला तो उन्होंने एम्बुलेंस भेज के वापस बुला भी लिया हमें, ऐसा नहीं है, सपोर्ट उन्होंने भी करा फुल। अजमेर की जनता ने आपके लिए दुआएं की, अजमेर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, अजमेर की जनता ने मेरे को दुआएं दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, और उसी की वजह से मैं वापस खड़ा हूँ। और मैं आपको लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, अगर ये बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, अगर बीमारी है आपको कोई दिक्कत नहीं होती, सबके साथ हो जाती, लेकिन आप जिम्मेदार एक नागरिक होते हुए अपना ट्रीटमेंट कराने को लेकर चले। आप घर में बैठ के चुपके ना बैठे, इसकी वजह से आप किसी दूसरे को ऐसे को रोगी दे दोगे जिससे वो उसकी जान को खतरा बनाए। आप तो चलो बस निकलो, लेकिन प्लीज़ मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको बीमारी है तो प्लीज़ अपने हॉस्पिटल जाके अपनी जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं और डॉक्टर्स को दिखाएं, इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है।